लेसन नंबर 1.2 फर्स्ट यूनिट एंड सेकेंड लेसन द स्पेशल प्राइस. इन प्रीवियस वीडियो यू वेयर गिवन वन होमवर्क एंड यू वेयर आस्क्ड टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ टेरिफाइड फ्रॉम द ऑप्शन एम्बरेस्ड frightened and happy and the correct answer is frightened. I hope you have solved the answer correctly. जो terrified है, terrified का मतलब होता है डराना, मतलब frightened. और पिछली जो वीडियो है उसमें हमने देखे थे कि रतन जो है, जस्ट हमने देखे थे कि रतन के साथ आगे का जो किस्सा है, आगे का जो मैटर है वो एक बैल के साथ में होने वाला था, तपन के साथ सॉरी. तो ये जो क्या किस्सा था, क्या मैटर था, ये हम इस वीडियो में देखेंगे. हम उसको पैराग्राफ को एक बार फिर से रीड कर रहे हैं. देयर वाज अनदर इंसिडेंट अ फ्यू डेज लेटर. इट कंसर्न्ड अ पेयर ऑफ ऑक्स व्हिच वाज मेनेसिंग द लोकेलिटी. इट हैड इंजर्ड सेवरल पीपल. इफ एनीवन अप्रोच इट विद अ स्टेव इट वुड चार्ज एट देम. एवरीवन वाज टेरिफाइड ऑफ इट. तो उसके बाद की अभी पिछली इंसिडेंट तो हमें पता है कि शॉपकीपर के साथ की हो गई थी. अब जो दूसरी इंसिडेंट है वो एक बैल के साथ में तपन की हुई. वो क्या थी कि एक बैल था उसके गांव में जो पूरे गांव को तकलीफ देता था, परेशान करता था, ट्रबल करता था. और जब भी कोई उसे कंट्रोल करने के लिए लकड़ी लेकर, मजबूत लकड़ी लेकर लेकर जाए तो उस लकड़ी वाले इंसान पर ही ये बैल जो है वो हमला कर देता था. पर इसने क्या क्या देख लिया. द इन्फ्रॉन्टरी ऑफ द एनिमल अराउज्ड तपन स्पिरिट. वेट यू बी कूली आई विल टेम यू ही मंबल्ड. During the school break, he brought a stave and a piece of string and slowly approached the ox. Waiting for the right opportunity, he jumped onto its back and put the string in its mouth as if bridling a horse. क्या हुआ? जो ये इसने वो जो arrogant वाला apprentice वाला bull था, जो एकदम arrogant था, तो उस animal को तपन ने देखा और उसको देख के तपन को कुछ ideas उठी. उसने क्या बोला? रुको बोले. बोले तुम बहुत क्या कर रहे हो, पूरे गांव को परेशान कर रहे हो. आई विल टेम यू. पर बोले तुम जो पूरे गांव को परेशान कर रहे हो, मैं तुम्हें पालतू बना के रखूंगा, मैं तुम्हें टेम बना के रखूंगा. डोमेस्टिक हम जो कुत्ता वगैरह पालते हैं ना, उस तरीके से मैं तुम्हें बिल्कुल, तुम्हें कोई पकड़ नहीं सकता. मैं तो बोले तुमको पालतू बिल्कुल बना के रखता हूँ, रुको बोले बैल को. और उसने मन की मन में ये बोलने के बाद में जब उसके स्कूल में मतलब ब्रेक लगा हुआ जो रिसेस थी, तब उसने एक स्टेव लाया. मतलब कि हमने देखे थे स्टेव का मतलब लकड़ी, तो मजबूत लकड़ी लाया. और एक स्ट्रिंग लाया, मतलब रस्सा टाइप का लेकर आया. और धीरे से उस ऑक्स को क्या बोलेंगे, अप्रोच किया, उसको देखा. और वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी ही जंप ऑन टू इट्स बैक एंड पुट द स्ट्रिंग इन इट्स माउथ एज इफ ब्रीडिंग अ हॉर्स. अब उसके बाद में एक सही मौका देगा कि जिसमें बैल का ध्यान भी ना रहे, ना जाए, और वो उस पर मतलब क्या बोलेंगे, बैल को कंट्रोल कर ले, बैल को पकड़ ले. तो ऐसी ऐसा मौका देख कर, जैसे ही उसको ऐसा मौका मिला, ऐसा समय मिला, तुरंत ये उसके पीठ पर चढ़ गया. और जो उसके पास में स्ट्रिंग था, जो रस्ता था, वो उसने क्या किया, स्ट्रिंग को उसके मुंह में सीधा डाल दिया. तो जैसे आपने देखे होंगे घोड़े वगैरह को जो है घोड़े वगैरह के मुंह में डालते हैं स्ट्रिंग, तो उसे ब्रीडर बोलते हैं, ब्रीडर बोलते हैं, मतलब उसे चाबुक भी बोलते हैं. मराठी में चाबुक बोलते हैं, हिंदी वगैरह में मुझे भी एग्जैक्ट वर्ड मतलब कि आइडिया नहीं है. तो उसके मुंह में कंट्रोल, उसको कंट्रोल करने के लिए वो डाल दिया, और घोड़े के मुंह में जैसा डालते हैं उस तरीके से. और अचानक से किसी ने क्योंकि ये तो ऑक्स इस तरीके का था कि उसको कोई पकड़ नहीं सकता था, इसके लिए उसके ऊपर बैठ के उसके मुंह में कुछ तो भी किसी ने डाल दिया करके, वो जो ऑक्स है वो बिल्कुल सरप्राइज हुआ. एंड बट द मोमेंट इट फेल्ट द वेट ऑन इट्स बैक इट स्टार्टेड स्टैम्पिंग एंड बकलिंग. पर जब उसको समझ में आया कि उसके पीठ पर वजन है, क्योंकि वो लड़का बैठ गया था तो उसका वेट बैल को जब रियलाइज हुआ, महसूस हुआ, तो वो वही के वही स्टैम्प होने लगा, मतलब ऊपर नीचे टाइप होने लगा, बकल होने करने लगा. एंड इट ब्रोक इनटू अ गैलॉप हॉपिंग टू थ्रो द टॉर्मेंटर ऑफ इट्स बैक. मीनवाइल द स्कूल ब्रेक वाज ओवर एंड क्लास हैड रिज्यूम्ड, बट तपन वाज बिजी टेलिंग द ऑक्स. अब वो घोड़े जैसा गैलॉप करने लगा, मतलब कूद कूद के जाने की कोशिश करने लगा. क्यों? क्योंकि उसको तो नहीं पता था कि मेरे ऊपर कोई आदमी है, लड़का बैठा है करके. तो वो जो भी ऊपर मतलब उसके ऊपर का वेट है, उस वेट को खाली करने के लिए वो जो है गैलॉप करने लगा, जंप करने की कोशिश करने लगा घोड़े से था. पर और इसी समय में क्या हुआ, अचानक मतलब जो स्कूल का ब्रेक है वो खत्म हो गया.
तो एक क्लासेस रिज्यूम हो गई, क्लासेस फिर से लगने लगी, पर ये जो तपन है ये उस बैल को, उस ऑक्स को पालतू बनाने के चक्कर में, मतलब उसको कंट्रोल करने के चक्कर में ये बिजी रहा। He managed to keep himself on the back of the tossing, buckling bronco, holding the string firmly. He patted the ox back that further enraged the animal. It crashed into the school compound and then into the room of class 7. क्या हुआ अब? अब ये जो तपन है, तपन ने उस बैल को कैसे तू भी मैनेज, मतलब बैल के ऊपर बैल क्यों आ कर रहा था, जब करके इसको गिराने की कोशिश कर रहा था लड़के को, तपन को, पर तपन ने कैसे तू भी करके खुद को उस बैल के ऊपर बिठाए रखा, बिल्कुल वो गिरा नहीं, उसने कंट्रोल कर लिया उसको, और उसके बाद में वो जो बिल्कुल ऊपर नीचे हो रहा है, आगे पीछे जाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको उस बैल के ऊपर जो रस्सी है उसको पकड़ के रखा बिल्कुल, और उसके पीठ पर पैट किया, पीठ पर मारा, और जैसे ही पीठ पर मारा तो वो जो बैल है वो बैल एनरेज हुआ और उसको ज्यादा गुस्सा आया और वो सीधा कहाँ जाके गिरा, स्कूल, जो स्कूल है स्कूल के कंपाउंड में एंटर हुआ और वहाँ उस कंपाउंड के बाद जो स्टैंडर्ड 7 है वहाँ पे जाके गिरा। और ये लड़का कौन से क्लास में पढ़ता था, आई थिंक ये पढ़ता था क्लास 5th में शायद, तो ये क्लास 7 में जाके गिरा बैल, जाके गया बैल। और ऑब्वियसली अगर आप अभी 7th स्टैंडर्ड में है, अचानक से अगर कोई पीरियड चल रहा है और अगर मान लो क्लास में रूम में अगर कोई बैल एंटर हो जाए तो ऑब्वियसली डरेंगे सब लोग। तो उसी तरीके से द टीचर एंड स्टूडेंट्स वेयर पेट्रीफाइड एंड स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शंस, शोविंग एंड पुशिंग देयर वे आउट ऑफ द क्लासरूम इन द स्टैम्पेड, मेनी ऑफ देम स्टंबल्ड एंड फेल। अब सब लोग डर गए, ऑब्वियसली क्लास में बैल को देखकर सभी डर गए, सब इधर उधर भागने लगे, स्टैम्पेड जैसे होने लगी क्लासरूम में, सब कोई मौका देखने लगा कि उसको कहीं बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा और स्टैम्पेड हो गई। स्टैम्पेड का मतलब क्या होता है, स्टैम्पेड मतलब अपरा दपर, एक दूसरे के ऊपर पैर वगैरह रखे जब होते हैं ना, उस तरीके की हालात हो गए। तभी सभी लोग, मतलब बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स गिर भी गए। जो टीचर रजनी सहारिया, टीचर का नाम क्या था, रजनी सहारिया का जो क्लास चल रहा था, पीरियड था, तो रजनी सहारिया जो है उन्होंने खुद को हर्ट किए बगैर, खुद को तकलीफ, उनको हर्ट नहीं हुआ, उनको इंजरी वगैरह भी नहीं हुई, पर कैसे तो भी करके वो क्लास से बाहर निकल गए, उन्होंने किसी तरीके तो उसे वो निकलने में सफल हुई। सेवरल क्लास पेंस वेयर ब्रोकन बाय द हॉर्न ऑफ द वाइडली फ्रेंटिंग एनिमल, जो ये बैल है वो बैल से क्या हुआ था, एकदम मतलब कुछ जो क्लासरूम में जो ग्लास लगी हुई थी, ग्लास भी टूट गए, और उसके बाद में Finally, the days of ran billowing desperately into the school field and fell on its side. A few seconds later, it jumped up and ran for its life without a backward glance. अब कैसे तो भी कर, obviously बैल के वजह से क्लासरूम में बच्चे और टीचर भी डरे, तो obviously जब कोई बैल क्लासरूम में आएगा तो वो भी डरेगा, तो वो भी किसी तो भी तरीके से करके, वो भी जो है क्योंकि लड़के भी इधर उधर हो रहे थे तो वो भी डर गया था, पर बाद में किसी तो भी किसी तरह से बैल भी वहां से निकल गया सीधा जो ग्राउंड जो है, फील्ड जो है, स्कूल की फील्ड जो है, स्कूल का मैदान, वहां पे गया साइड में, और वहां जाने के बाद में कुछ सेकंड के बाद जो वहीं पे वहां से सीधा भाग के दौड़ के सीधा क्या हो गया, नजरों से गायब हो गया, मतलब वो खुद की जान बचाने के लिए मैदान से भी बाहर चला गया। So there was another complaint launched against Tapan, this time by the teacher Rajani Saharia. The headmaster blew into a rage. The boy was a menace and a troublemaker. The headmaster summoned Tapan again. अब क्या हुआ? अब जो फिर से रजनी सहारिया ने हेडमास्टर के पास फिर से कंप्लेंट किए, तपन के पास खिलाफ फिर से एक बार कंप्लेंट लॉज हुई। किसने किया? रजनी सहारिया जो टीचर थे उन्होंने, और हेडमास्टर को और गुस्सा आया क्योंकि इस बार तो इसने क्लासरूम में बैल को लेकर आ गया था। तो जो मैम है, मैम ने और टीचर हेडमास्टर ने उसको क्या बोले, बोले ये तो लड़का पूरा पागल है, बोले ये तो तकलीफ पर तकलीफ देता है, बोले। तो फिर से तपन को बुलाया गया हेडमास्टर के द्वारा। तपन अपीयर्ड विद मोहन द चौकीदार ऑन सीइंग हिम द हेडमास्टर्स टेंपर बॉइल्ड ओवर। अब पिछली बार की तरह हेडमास्टर ने फिर से चौकीदार के हाथ जो माध्यम से इसको बुलाए तपन को। चौकीदार का नाम है मोहन, तो उसके साथ में ये लड़का फिर से हाजिर हुआ। और अब हेडमास्टर ने क्या बोले, यू आर अ वीक बॉय,
Why did you lead the ox into the classroom? Speak up, the headmaster demanded, brandishing his cane. अब headmaster गए, उन्होंने क्या बोले? बोले तुम पागल हो गए क्या बोले लड़के? बोले तुमको बैल को क्लासरूम में लाने की जरूरत क्या थी? बोले बोलो। तो वो ये सब बोलते वक्त उनके हाथ में जो केन थी उसे बिल्कुल ब्रांडिश तरीके से ऐसे बिल्कुल पकड़ के वो उसको ये बात बोल रहे थे। अब तपन ने अपना सिर नीचे रखी क्योंकि इसमें तो सच में तपन की गलती थी। हालांकि तपन का जो मोटो है, तपन का उद्देश्य इरादा था बहुत अच्छा था कि बैल को पालतू बनाने का या बैल को कंट्रोल करने का, पर वो छोटा ही था, किसी भी तरीके से कुछ भी बोले तो जो बड़े बड़े लोग उसको कंट्रोल नहीं कर पाए तो ये क्या करेगा, है ना। तो उसने क्या किया, अपना सिर नीचे किया और आंसर दिया, सर आई डिडंट लीड द ऑक्स इनटू द क्लासरूम, आई वाज ओनली राइडिंग ऑन हिज बैक टू टेम इट एंड इट सडनली रैन इनटू द रूम। बोले सर मैंने उस बैल को क्लासरूम में लेके नहीं आया, बोले मैं तो उस पर बैठा हुआ था और मैं तो उसको पालतू बनाने के मतलब उसको कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक दौड़ के क्या हो गया, क्लासरूम में आ गया। हेडमास्टर सेड देन, हु आस्क्ड यू टू राइट एन ऑक्स ड्यूरिंग स्कूल आवर्स, अगेन तपन वाज बनी, बोले तुमको जरूरत क्या थी स्कूल के समय में बैल को पर चढ़ने की, है ना। तो फिर से उसको पनिश किया गया। His classmates again sniggered and ridiculed him. He was branded as the bad boy of the school. फिर से जब वो मतलब punishment पूरी सहन करने के बाद जब क्लासरूम में आया होगा तो फिर से उसको देखकर सब उसके क्लासरूम में हंसने लगे और उसे फिर से स्कूल के बुरे लड़के का लेबल लग गया। सब वो पहचान मिल गई उसको कि स्कूल का बुरा लड़का है। अब इतने से काम नहीं हुआ, अब क्या हुआ, सून आफ्टर वर्ड बिल्कुल उसके कुछ दिनों बाद कुछ समय के बाद में अ नोटिस वाज सर्कुलेटेड इन द स्कूल इन इट रीड तपन ऑफ क्लास थ्री हैज बीन पनिश्ड फॉर राइडिंग एन ऑक्स इनटू क्लास सेवन एंड अपसेटिंग द टीचर एंड स्टूडेंट्स आल्सो फॉर कॉजिंग ब्रेकेज ऑफ ग्लास पेन्स He has been further fined ₹25 to pay for the damage. क्या हुआ था? उसके बाद एक नोटिस, एक बिल्कुल ऑफिशियली नोटिस जारी हुआ स्कूल की तरफ से। उसमें लिखा हुआ था कि स्टैंडर्ड फिफ्थ का जो लड़का है तपन, उसने क्योंकि स्टैंडर्ड सेवन में बैल को लेकर आया था तो उसके वजह से उसे पनिश किया जाता है और उसके वजह से जो क्लासरूम का नुकसान हुआ उसके लिए उसको ₹25 का फाइन भी उस पर लगाया गया। अब ये ₹25 आपको लगेगा ₹25 ऐसी कौन सी बड़ी बात है, पर उस जमाने में ₹25 बहुत ज्यादा होते थे, ठीक है। तो द नोटिस कंक्लूडेड दैट तपन वुड बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्कूल इफ ही कमिटेड एनी सच ऑफेंस इन फ्यूचर। और फिर उस नोटिस में ये भी लिखा गया था कि अगर इस तरीके का कोई अगर गलती अगर ये तपन फिर से करता है तो उसको स्कूल से बाहर कर दिया जाएगा, स्कूल से निकाला जाएगा। तो ये फिर से हमेशा की तरह नहीं मिलना है आपको और चैप्टर को रीड करना, ये होमवर्क है। थैंक यू सो मच।